Assalamualaikum, everybody. You're tuned into Girls Republic ARY Music YOLO. You only live once. We are going live right now. Call कर सकते हैं और के साथ जो है आज भी एक दफा फिर से हमारे पास एक बहुत मजेदार सवाल आप लोगों के लिए और वो ये है कि आपको जाना है facebook.com/ARY Music TV पे. वहाँ पे जाएंगे जवाब तो आज का जो हमारा question of the day है उसका आपको जवाब देना है. What has four wheels and flies? इसी किस्म का कुछ जवाब है. जवाब नहीं, सवाल है. और मैं एक दफा फिर से बताती चलूं, हमारा जो सवाल है आज का, that is, what has four wheels and flies? What has four wheels and flies? इसका आपको जवाब देना है. उसके अलावा जब आप जाके कमेंट कर देंगे हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के स्टेटस पे, तो आपको बताती चलूं कि आपको जो जवाब है वो देना है फैन पेज पे, ARY म्यूजिक टीवी के ऑफिशियल फैन पेज पे. आप जाएंगे, स्टेटस है हमारा आज क्वेश्चन ऑफ द डे एंड क्वेश्चन ऑफ द डे और क्वेश्चन ऑफ द वीक. इस क्वेश्चन ऑफ द डे दैट इज व्हाट हैज फोर व्हील्स एंड फ्लाइज. कमेंट करना है आपको जाके. सही जो जवाब देगा, जो दो लकी विनर्स होंगे उनका मैं इसी वीक में जो है नाम लूंगी और इसके साथ अपनी डिटेल्स आप सेंड करेंगे एंड आपको भेजा जाएगा एक बहुत ही जबरदस्त गिफ्ट फ्रॉम ARY म्यूजिक. अच्छा जी, उसके अलावा को लाइन मैसेंजर के बारे में बताते चले. लाइन पे आओ और अपना गिफ्ट पाओ. ये तो बेसिकली सजा से हम कह रहे हैं कि आपको गिफ्ट मिलेगा ARY म्यूजिक की तरफ से. लेकिन लाइन मैसेंजर इज दिस न्यू एप्लीकेशन जिसको आप जो डाउनलोड करेंगे तो उसमें जबरदस्त किस्म के इमोशंस हैं एंड देन आप जाके इमोज हैं जो आप यूज कर सकते हैं एंड देन आप कॉल्स कर सकते हैं, आप वीडियो चैट्स कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें एक ही चीज में. आप अगर व्हाट्सएप की बात करते हैं आप वॉइस नोट्स भेज सकते हैं, यू कैन यू नो कॉल एंड एवरीथिंग. सो आई एम जस्ट कंपेयरिंग. हर एप्लीकेशन की अपनी अच्छी बात होती है लेकिन लाइन मैसेंजर की एक जबरदस्त चीज ये है कि आप उसमें कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो चैट भी कर सकते हैं, ईमोज भी हैं, मच 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 मोर एंड दैट इज ओनली एंड ओनली इन लाइन मैसेंजर. तो लाइन चैट एप्लीकेशन आपको जो है डाउनलोड करनी है और मुझे बताइएगा जरूर कि आपको ये जो एप्लीकेशन है वो कैसी लगी. अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है. अच्छा, आज का मैं सोच रही थी कि आज का मैं क्या टॉपिक रखूं. अच्छा, वैसे एक चीज़ है वो ये कि काफ़ी सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि हाउ इज़ माई विजडम टूथ. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एहसास हो रहा है कि पता है क्या, एक तो आई एम अ बिट अगेंस्ट टेकिंग मेडिसिन एवरी टाइम, बट ऑब्वियसली एवरी वन हैज़ बीन फोर्सिंग मी टू टेक पेन कलर्स एंड एवरी थिंग. तो लेट्स सी, हो सकता है मैं ले लूँ आज. लेकिन आई थिंक माई गम हैज़ स्वेलोड, तो वो बहुत स्वेलो हो चुकी है. ठीक है, दूसरा ये कि देयर इज पेन ऑब्वियसली, लेकिन अब मुझे दर्द इतना आदी हो चुकी हूँ मैं इस दर्द की चार दिन से कि मैं सोने भी जाती हूँ. मैं कहती हूँ तो होता ही रहेगा, नींद मैं अपनी पूरी कर लूँ. तो ये है, तो दुआ कीजिए कि ये जो मेरा है दर्द ठीक हो जाए, क्योंकि आई थिंक यू नो व्हाट, आई फील लाइक अ किड राइट नाउ. जैसे बच्चे नहीं होते चिड़ने लग जाते हैं, तो मैं आज मेरा दिल कर रहा था ऑफिस में आते कि मैं हर किसी से लड़ना शुरू कर दूँ. मेरा दिल कहता मैं हर किसी से लड़ना शुरू कर दूँ, हर किसी को धक्का दे दूँ. तो ये इस वजह से हो रहा था कि मैं अपनी जो है गम की वजह से मैं इतनी चिड़चिड़ी हो गई, इतनी क्रैंकी हो गई हूँ कि आई डोंट नो मैन, आई वॉज इवन रेडी टू फाइट माई बेस्ट फ्रेंड यस्टरडे. तो मुझे तो बस मौका चाहिए था लड़ने का, लेकिन खैर मैं लड़ी नहीं. लेकिन हम एक कॉल लेते हैं. हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम हुरमत, क्या हो रहा है. अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी स्कूल से आई थी थोड़ी देर पहले. स्कूल से आई थी. अच्छा हुरमत, मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये कभी हुआ है जो तुम्हारा विजडम टूथ वाला एक जो होया आता है, दर्द हो चुका है या हो गया है, क्या कौन है? सा दर्द? विजडम टूथ. कौन सा दर्द? विजडम टूथ, यार कितनी दफा पूछोगी. नहीं मैंने सुना नहीं. अच्छा खैर, मुझे ये बताओ कि आज का हमारा टॉपिक ये है, अगर आपको चांस दिया जाए मैजिकली कोई एक चीज कर सके तो तुम क्या करोगी? मैं अपने अंदर जो कुछ बुरी आदतें हैं वो चेंज कर दूंगी. कुछ बुरी आदतें? वो क्या कुछ बुरी आदतें हैं? क्या गुस्सा करना है या वो चीटिंग ना करना है? गुस्सा करना है, चिड़चिड़ी, आउटस्पोकन. आउटस्पोकन, आई थिंक इट इज गुड टू बी आउटस्पोकन. आउटस्पोकन हाँ, पर अच्छी बात है, पर मैं हर दफा में हो जाती हूँ इसलिए. अच्छा वैसे एक बात बताऊँ, मैं बिल्कुल भी चिड़चिड़ी नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत हूँ, मैं फॉरन हाइपर हो जाती हूँ. तो मैजिकली चेंज करोगी अपने अंदर? इंशाल्लाह ताला का मेरे अंदर ये पावर आ गई, मैजिक वांड लोगी और फिर ये अरुम बुरुम बुरुम करोगी और ताकि तुम आए से. अच्छा वैसे तुम्हें बताओ, तुम्हें खुद कैसे लोग पसंद है? बड़े सॉफ्ट स्पोकन, शांति वाले, वैसे लोग बहुत फ्रेंडली हूँ. भले चाहे मैं खुद कितनी चिड़चिड़ी हूँ, लोग मुझे फ्रेंडली चाहिए.
मतलब कि मेरी बात को काम डाउन होके सुने हाँ. इस तरह के अच्छे रखते हैं लोग. और मतलब कि मैं ये नहीं चाहती कि मेरे जैसी मुझे लोग मिले, वैसे नहीं चाहती भाई, डर लगता है. समझ रही हूँ मैं. अच्छा मैं भूल गई, तुम मुझे बता कि तुम्हारा हॉरोस्कोप क्या है. कैंसर. कैंसर. यू आर कैंसेरियन. या और मैं अपने नाम से भी कैंसेरियन हूँ, पूरी पक्की कैंसेरियन. आप भी अपने नाम से कैंसेरियन है. हिना एच अल्फाबेट कैंसेरियन में आता है. हिना हिना एच जो एच जो लेटर है ना अल्फाबेट, हाँ वो कैंसर में आता है. लाइक अगर किसी का नाम हमजा है और उसका स्टार सेगिटेरियस है, तो उसके अंदर सेगिटेरियस वाली क्वालिटी भी होगी और कैंसर वाली भी होगी. ओहो, ये तुमने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई. मतलब मेरे कैप्रिकॉर्न वाली क्वालिटीज भी और कैंसर वाली क्वालिटीज वाली भी है. जी ये तो ज्यादा गुड न्यूज नहीं है. कैंसर बुरे नहीं होते. यार वैसे मैं अच्छा वैसे मुझे बताओ, तुम रोज हॉरोस्कोप पढ़ती हो? नहीं मैं नहीं पढ़ती, मेरी मम्मा पढ़ती हैं. कि कभी दिल किया? अच्छा मम्मा को बताओ, मम्मा से कभी पूछा है कि अम्मी लगता है कि हाँ ऐसा ही हो रहा है मेरी जिंदगी में, या तुक्के से कभी कभार कुछ? नहीं मैं मम्मा नहीं पूछती तो नहीं हूँ. वैसे मैं देख लेती हूँ शोज वगैरह जो आते हैं हॉरोस्कोप के, वो देख लेती हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग शो में जो आते हैं. तो जब तुमने अपना देखा था किसी दिन, तुम्हें क्या लग रहा था कि यार यही हुआ है, ऐसा हुआ है? हुआ था. हाँ हुआ था. वाओ. वाओ. उसके बाद जब बता दिया था तो उसके थोड़े दिन नहीं, अगले दिन ही हुआ था. हाँ अगले दिन ही हुआ था. हाँ बड़ा मजा आता है ऐसी प्रेडिक्शंस करने में, देखने में. क्योंकि आई थिंक यार आई थिंक हॉरोस्कोप न्यूमरोलॉजी पे होते हैं एंड इट्स अ प्रॉपर स्टडी, पढ़ाई है उसकी पूरी. तो लेकिन वही बात है यार, इस चीज को अपने ज्यादा सर पे भी सवार नहीं करना चाहिए. हाँ वरना वो बंदा फिर उसमें हॉरोस्कोप जियोडिक साइंस में चल रहा होता है, उसकी कोई लाइफ ही नहीं होती. हाँ उसकी कोई लाइफ ही नहीं होती ना. जी वेले लोग होते हैं. खैर चलो, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन. अल्लाह हाफिज. चलिए जी अभी जाएंगे सॉन्ग ब्रेक की तरफ. facebook.com/ARY Music TV पे जाइए. क्वेश्चन ऑफ द डे है. क्वेश्चन ऑफ द डे फिर से देख लूं क्या है. जी क्वेश्चन ऑफ द डे आपका है, व्हाट हैज फोर व्हील्स एंड फ्लाइज. आपको जाके देना है जवाब. दो लकी विनर्स, उनका नाम मैं लूंगी इसी वीक. राइट नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ सॉन्ग ब्रेक. कहीं मत जाइए, देखते रहिए गोस्ट रिपब्लिक ARY म्यूजिक. Welcome back to you watching Gus Republic ARY Music. आप जाएंगे आज facebook.com/ARY Music TV पे और जाके आज हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हाट हैज फोर व्हील्स एंड फ्लाइज का देना है आपको जवाब. स्टेटस में जाके कमेंट करेंगे, जवाब देंगे और जो देगा सही जवाब उसका दो लकी विनर्स का नाम लिया जाएगा एंड आपको मिलेगा गिफ्ट हैम्पर. यही उसके अलावा एक और मजे की चीज है, वो ये है कि लाइन मैसेंजर आप सब लोग अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए. दिस इज द न्यू एप्लीकेशन एंड इसमें ईमोज हैं, वीडियो चैट्स हैं, कॉल्स हैं. तो आपके कोई फ्रेंड फैमिली कोई भी किसी और मुल्क में बैठा हुआ आप आराम से बात कर सकते हैं, नो इश्यूज. एंड अच्छी इसकी अच्छी चीज़ ये कि इट्स अ लाइन चैट मैसेंजर, सो यू नो इट हैज वीडियो कॉल, इट हैज दिस कॉल, इसके अंदर आपका क्रेडिट खर्च नहीं होगा. तो ये एक अच्छी चीज़ है, आप वाईफाई कनेक्ट करें और यूज़ करें और यस अपने जितने भी आपके चाहने वाले हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में, उनसे आप बिल्कुल बात कर सकते हैं. उसके अलावा आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस हैं तो पढ़ लेते हैं. बिलाल आफरीदी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम. मोहम्मद शयान लिखते हैं हेलो डीजे हिना आप बहुत अच्छी हैं. अफशीन लिखती हैं हेलो हेलो सिस्टर, आई एम अफशीन खालिद, यू आर सो क्यूट, लव यू सो मच, आई विल प्रे फॉर यू दैट अल्लाह गिव्स यू मोर सक्सेस इन एवरी फील्ड. अच्छा जी मुर्तजा लिखते हैं लुकिंग फैबुलस. शाहजेब लिखते हैं ऑसम शो. एम लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम हिना. वालेकुम अस्सलाम, यू आर लुकिंग टू गुड, थैंक यू. अच्छा जी इफ़त मलिक लिखती हैं हेलो हिना, आई एम योर बिगेस्ट फैन, यू लुकिंग ग्रेट. एंड पठान बन्नू लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मैं KPK से आपका शो देख रहा हूँ एंड आई एम योर क्रेजी फैन एंड मैं इंशाल्लाह आपसे कराची आके जरूर मिलूंगा. चलें जी अगर आपकी किस्मत में हुआ. आमना शिराज लिखती है यू आर सो क्यूट क्यूटी पाई, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग मी ऑन फ्राइडे, लव यू, प्लीज कोई डाइट प्लान पर शो कीजिए. बाय आमना, क्या तो वेट गेन कर रही हो है. अच्छा जी ब्लशी महाम लिखती है हेलो होप यू आर डूइंग गुड, आज मेरी फिर बात नहीं हो सकती, अनलकी मी, मिस यू डॉल. अच्छा जी खालिद लिखते हैं माशाल्लाह यू लुक सो प्रिटी, थैंक यू. नुमान लिखते हैं यू लुकिंग गॉर्जियस हिना, लव यू एंड योर शो इज ऑसम. आमना तरार लिखती है हिना यू आर लुकिंग सो प्रिटी एंड योर वॉइस इज वेरी स्वीट, थैंक यू सो मच. एंड यू नो व्हेन आई वाज डू वी हैव अ कॉलर,
अच्छा मैं बताती हूँ, व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज यंगर, तो आई डिड नॉट यूज टू लाइक माय वॉइस एंड यू नो ऑल ऑफ माय कजिन्स दे यूज टू मेक फन ऑफ मी. हाँ हिना तो पता है मुझे मैं एक्साइटेड जब हो जाती हूँ तो मेरी आवाज़ की पिच यहाँ से यहाँ चली जाती है, तो मैं अजीब चिल्लाने लग जाती हूँ. हाँ सो मेरे घर वाले कहते हैं हिना आहिस्ता आहिस्ता, मोहल्ले वाले भी हैं हमारे अजीब समझेंगे, पता नहीं कौन घर में रह रहे. तो ये है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं यहाँ पर आती हूँ तो मैं जिस भी वॉल्यूम में बोलूँ अच्छा होता है, क्योंकि आप लोग अपने वॉल्यूम फिक्स कर सकते हैं टीवी के. चलिए एक जल्दी से हम कॉल लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. कौन बात कर रही हूँ, कहाँ से? हेलो, कहाँ से बात कर रही हूँ? जोया. कौन बात कर रही है? जोया गुजरावाले से. जोया क्या हाल है? मैं ठीक ठाक. आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. मैं आपको बहुत अच्छी लगती हूँ, आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जल्दी से पहले टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें. क्या दिया? अच्छा मुझे ये बताओ जोया कि आप क्या करती हो, पढ़ती हो, पढ़ चुकी हो? जोया पढ़ती हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ. अच्छा मुझे बताओ कि हर चीज का जवाब देने में इतना ही टाइम लेती हो? नहीं नहीं तुम अपनी आवाज अभी टीवी पे सुन रही हो ना? कॉल ऑफ हो चुकी है. यही होता है जब भी कॉल कीजिए टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, क्योंकि जब जो हम लाइव बात कर रहे होते हैं टेलीफोन पे या फोन पे, वो जो है टीवी जब आप देख रहे होता है, जब वो टेलीकास्ट हो रहा होता है तो वो एक डिले के बाद टेलीकास्ट हो रहा होता है, कुछ सेकंड्स का डिले होता है जिसके बाद वो टेलीकास्ट होता है. तो अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो आपको मेरी आवाज टीवी पे थोड़ी देर बाद सुनाई देगी, तो इस पे जरा सा जो आप वर्क कीजिए, क्योंकि अगर आप मेरी आवाज़ टीवी पे सुनेंगे और फिर आप मुझे जवाब देंगे तो समझ लीजिए कि मैं इंतजार करती रहूंगी कि आप लोग कब मुझे जवाब देंगे. बट एनीवेज ये भी खुशी होती है यार, जाहिर सी बात है, अगर मैं भी टीवी देखूं और मैं किसी शो में कॉल करूं मुझे बड़ी खुशी होती है यार मैं अपनी आवाज़ सुनूंगी, क्योंकि मुझे याद है माय फ्रेंड शी इज एन आरजे. तो मैं ऐसी किसी दिन मैंने ना ट्यून इन कर लिया, मैंने सोचा कि सुनूं अपनी दोस्त का शो कैसा रेडियो पे वो शो करती है अपना. तो मैंने उसे मैसेज किया, मैंने कहा कि बहुत अच्छा शो जा रहा है, यू वेरी लाइवली एंड एवरीथिंग. तो उसने कहा कि तुम सुनती हो, मैं तुम्हें शार आउट दे रही हूँ अपने शो पे. मैंने कहा ठीक है. तो वो रेडियो आई कम ऑन टीवी, लेकिन उसने जब रेडियो पे मेरा नाम लिया कि यू नो माय फ्रेंड हिना इज लिसनिंग टू द शो, तो मुझे इतना अच्छा लगा, आई फेल्ट सो स्पेशल. तो ये छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको बड़ा अच्छा फील करवा रहे, जबकि इवन दो अगर आप चाहे कितने बड़े यू नो इफ यू आर कमिंग ऑन टीवी एंड एवरीथिंग, इवन इफ यू आर वेरी बिग सेलिब्रिटी, आई थिंक ये छोटे छोटे जेस्चर्स हर इंसान को अच्छे लगते हैं. तो जब भी हमारे बहुत सारे कर रहे होते हैं वीजे ना नाम ले लीजिए, वीजे ना नाम ले लीजिए, तो मुझे पूरा एहसास है कि आप लोग कितनी खुशी होती होगी जब आप लोग का नाम लिया जाता होगा टीवी पर. आप लोग बाबर यू नो यू पीपल मस्ट हैव यू नो गोइंग टू द वेबसाइट, वहाँ पे आप जाते होंगे, वहाँ पे जाके अपने शोज देखते होंगे, तो कितना अच्छा लगता है, अच्छा फील इंसान करता है. बट एनीवेज आप लोग के और मैसेज है वो पढ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले बता दीजिए लाइन मैसेंजर आप लोगों को डाउनलोड करना है, और मेरी अभी बहुत शदीद तकलीफ हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तकलीफा करूँ क्या. अच्छा मुझे काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि लॉन्ग रखने से दर्द ठीक हो जाता है. लॉन्ग रखने से वाकई दर्द ठीक हो जाता है? अगर लॉन्ग रखने से दर्द ठीक हो जाता है तो आई डोंट नो, अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आर सेइंग कुछ नहीं होता, लॉन्ग रख लो ठीक हो जाएगा. तो पता नहीं घर जाके मैं लॉन्ग रखूंगी, ट्राई करूंगी कि दर्द जा रहा है या नहीं जा रहा. लेकिन उसके साथ बताते चलें कि आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है कि व्हाट हैज फोर व्हील्स एंड फ्लाइज, नॉट व्हील्स, व्हाट हैज फोर व्हील्स एंड फ्लाइज. आप जाएंगे हमारे फैन पेज पे facebook.com/ARY Music TV, क्वेश्चन ऑफ द डे पे कमेंट करेंगे जाकर, जो 2 लाख की विनर्स होंगे उनका नाम लेंगे अपने शो में और आपको गिफ्ट भी मिलेगा. तो गिफ्ट अगर इंसान को मिल रहा है वो भी फ्री में, वो भी घर बैठे बैठे, तो आई थिंक क्वेश्चन ऑफ द डे का जवाब दे देना चाहिए. हम आपके और बहुत सारे मैसेज पढ़ेंगे, लेकिन अभी जाएंगे एक सॉन्ग ब्रेक की तरह. स्टिक अराउंड ओनली ऑन ARY Music. Welcome back. You're watching Girls Republic only on ARY Music. And आज जाएंगे आज Facebook, आज नहीं रोज जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन रोज होगा हमारे Facebook पे, that is facebook.com/ARY Music TV. और मैं अपना फोन उल्टा पकड़ी नहीं हूँ, गॉड फोन सीधा लेती हूँ अपना जरा. अच्छा जी अपने कमेंट दे सकते हैं facebook.com/vijaynaltaf पे जाके, एना प्लेटफॉर्म दैट लॉट ऑफ पीपल हैव बीन आस्किंग मी कि हमें आपके प्रोफाइल से रिक्वेस्ट आ रही है.
मैं रैंडम लोगों को नहीं करती ऐड, तो अगर मैं किसी को जानती हूँ तो डेफिनेटली आई गो एंड आई ऐड समवन. लेकिन अगर आपको रिक्वेस्ट आ रही है सो जस्ट यू नो चेक द प्रोफाइल, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो जो प्रोफाइल होगी वो फेक होगी, सिंस फेसबुक पे जो फेक अकाउंट्स हैं मेरे नाम से उनकी तादाद थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है. तो ख्याल रखिएगा इस बात का. दूसरा ये कि देर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, जैसे अ फ्रेंड ऑफ माइन शी टोल्ड मी दैट देर इज सम रैंडम पर्सन एंड लड़कियों ने मेरे नाम से अकाउंट बनाया हुआ है और वो सबसे बात करती हैं और पता नहीं क्या क्या क्या. सो यू नो प्लीज गाइज गेट अ लाइफ. तो मेरे नाम पे रख के आप सबसे बातें करेंगे क्या, ये क्या तरीका है. फॉर एनी वेज सो यस आई वुड से कि आप सब लोग बड़े स्मार्ट हैं, तो इतना प्रोफाइल देके जज कर सकते हैं कि वो फेक है या रियल है. तो यस रिफ्रेन फ्रॉम द फेक अकाउंट्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप जाएंगे facebook.com/vijaynavtab पे जाके वहां पे जाके कमेंट्स देंगे, एंड इसके अलावा कॉल भी कर सकते हैं. एंड जो दो लकी विनर्स होंगे जो जाके क्वेश्चन ऑफ द डे का सही जवाब देंगे उनका नाम मैं लूंगी अपने शो पे, और साथ गिफ्ट भी मिलेगा आपको. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइन मैसेंजर आप लोग को डाउनलोड करना है, ईमोज हैं, वीडियो कॉल्स हैं, एंड यू कैन ऑल्सो कॉल यू नो कोई भी आपके रिश्तेदार अजीज दोस्त कोई भी मुल्क से बाहर रह रहा हो तो आप आराम से बात कर सकते हैं. अच्छा जी डू वी हैव अ कॉलर नेहा. हेलो हेलो नेहा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप कैसी हैं नेहा? मैं ठीक हूँ. अच्छा नेहा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है. आप कितने साल की हो? मैं 7 साल से 9 साल की हूँ. 9 years? क्या 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 मुझे समझ नहीं आया. अच्छा नेहा 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 मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास जादू की छड़ी आ जाए ठीक है और आप उसे कुछ बदलना चाहो अपने में तो क्या बदलोगी? मैं अपने अंदर से विद बाहर करूंगी और अपने आप में आपको अच्छा बनाऊंगी. अच्छा बनाओगी? कैसे अच्छा बनाओगी? बहुत अच्छा, पढ़ने में भी अच्छा है, काम में अच्छा. ठीक है. अच्छा मुझे पता नेहा वो क्या बने? और वालिदैन की इज्जत करना. जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े अच्छे विचार हैं आपके. अच्छा नेहा मुझे अपने टीचर की भी इज्जत करना. बिल्कुल, वेरी नाइस. नेहा मुझे ये बताओ कि आपको क्या बनने का शौक है, आप क्या बनना चाहती हो बड़े होके? मैं बड़े होके मैं पायलट बनना चाहती हूँ. पायलट बनोगी? फिर हम सबको एक मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाओगे बगैर वीजा और टिकट के? जी. अच्छा नेहा मुझे बताओ कि पायलट बनना चाहती हो, क्यों बनना चाहती हो पायलट? शौक है. शौक है? क्यों है ये शौक? किसी ने कहा है कि नेहा पायलट बनो? नहीं, मुझे अपना खुद का शौक है. और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है स्कूल में? मैथ. मैथ्स. और ऐसा कौन सब्जेक्ट है जो आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद? मुझे कोई सा भी सब्जेक्ट बिल्कुल सब अच्छे लगते. अच्छा आपकी बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम लाइबा. लाइबा, मेरी मदर भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, फादर भी. नाइस यार, नाइस, वेरी गुड गर्ल. आई थिंक इतना जहन होना बड़ी अच्छी बात है इतनी छोटी सी बच्ची के पास. लेकिन थैंक यू. हमारी ये प्रोग्राम दोबारा करना. दोबारा कब आएगा? दोबारा आएगा कल, आएगा 4 बजे आएगा. कल चार बजे. थैंक यू, अल्लाह हाफिज. सच अ क्यूट कॉलर. कब आएगा ये शो? कब आएगा? कल आएगा, 4 बजे आएगा. चले जी. अल्शपा खान. ओहो इतना मुश्किल नाम है, अल्शपा नाम भी प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ. हेलो हिना, यू लुकिंग सो प्रिटी डे, योर हेयर आर लव, प्लीज से हाई टू मी. माय हेयर आर लव, बाय द वे माय हेयर. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. मैं बुराई नहीं करूंगी अपने बालों की. चले अच्छा जी. अल्शपा यार ये क्या नाम है, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे प्रोनाउंस मुझे बड़े फंबल करवाएगी. अब हम जा रहे हैं.
यू आर वॉचिंग गर्ल्स रिपब्लिक एआरवाई म्यूजिक. आपको जाना है जल्दी जल्दी बताते चलूं facebook.com/ARY Music TV पे आप जाएंगे. क्वेश्चन ऑफ द डे है व्हाट हैज फोर व्हील्स एंड फ्लाइज. इसका आपको जवाब देना है. दो लकी विनर्स का हम जो है वो नाम भी लेंगे शो पे और गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा आपको. उस्मान लिखते हैं हेलो हिना कैसी हैं आप, प्लीज मेरा नाम शो में जरूर ले लीजिएगा. उस्मान चले जी. आमना लिखती है हिना योर ड्रेसिंग इज जस्ट ऑसम. Now I will message you regularly. Get well soon. Yes, I need to get well soon, man. The pain is awful. अच्छा जी. उसके अलावा शानी खान लिखते हैं हिना जी आप इश्क वाला लव सॉन्ग प्ले कर दीजिए जो आई थिंक स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी में था. हानिया लिखती है वाओ हिना नाइस सॉन्ग प्ले जिया माई फेवरेट. अच्छा जी नाम है मुझे समझ नहीं आ रहा नाम कैसे प्रोनाउंस करें. XAM अब मैं क्या बोलूं सैम बोलूं जैम बोलूं क्या बोलूं. इनका मैसेज आया हेलो हिना योर शो इज गोइंग गुड से हाय टू माय फ्रेंड फातिमा एंड विश हर हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर फातिमा हैप्पी बर्थडे टू यू. अच्छा जी सैफुल्ला खान लिखते हैं आज मेरा बर्थडे है प्लीज मेरा नाम लेके मुझे विश कर दीजिए. Happy birthday to you, happy birthday, Sakura, happy birthday to you. अच्छा जी उसके अलावा हानिया फारूक जो है शो देख रही हैं. उसके अलावा असर मिर्जा लिखते हैं कि शो बहुत अच्छा जा रहा है. सम्मा लिखती है यू आर अ ग्रेट वीजे लव यू. नाउ टू गो टू वर्ल्ड सॉन्ग ब्रेक. अच्छा जी कॉल लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हाय हिना कैसी हो. हेलो मैं बिल्कुल ठीक हूँ. कौन बात कर रही हूँ कहाँ से. मैं मासूमा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से. मासूमा मुझे बता मासूमा आप कितनी मासूम है. बस ठीक ही है. बस ठीक ही है मतलब मासूम नहीं हो. नहीं हूँ मतलब लाइक पढ़ाई वगैरह में थोड़ी क्लेवर हूँ. अच्छा अपने आप को मासूम बोलते हैं कैसा लगता है. अजीब सा नहीं लगता. मैं बहुत मासूम हूँ यार. नहीं लाइक मुझे अपने नाम का मतलब नाम ही सही लगता. मुझे लगता है मैं सूट नहीं करता. मुझे कोई अमेरिकन टाइप का नाम चाहिए था. घर में भी इस बात की हम सब की लड़ाई होती है कि नहीं मुझे ये नाम ही नहीं चाहिए चेंज कर लूंगी. क्या क्या नाम रखोगी. बस रख लूंगी कोई इजेबेला मैरी बस इस तरह का. क्या सोचूंगी इस तरह का. इसी तरह का कोई सोचूंगी मैं इसी किस्म का. फिर ये याद रखना कि जो फिर वो नाम होगा जो मतलब होता है फिर वो कैसा पड़ेगा तुम पे उसका. हाँ वैसे एक्चुअली ना एक नाम है मेरी कजन का है मुझे बहुत अच्छा लगता है लीना. तो मैं वो अपना नाम रखना चाहूंगी लीना. लीना लीना और इसका नाम का मतलब क्या होता है. ये अभी तक मुझे इतना नहीं पता. वाह 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 नाम का मतलब तो पता कर लो पहले. अच्छा वैसे हिना आज अब बहुत प्यारी लग रही है. थैंक यू सो मच. मासूमा मुझे बताओ कि अच्छा मेरी पता है स्कूल में मेरी दोस्त हुआ करती थी उसका नाम ही मासूमा था. तो वो बड़ी क्यूट सी थी सारी चीजें थी. तो तुम भी ऐसी हो बिल्कुल क्यूट सी. मैं भी ऐसी हूँ क्यूट सी अच्छी सी. यार मुझे वो लोग बड़े अच्छे लगते हैं जो अपनी खुद की तारीफ करते हैं. ऐसे होना चाहिए. अच्छा मुझे मासूमा जल्दी से बताओ अगर तुम्हारे पास मैजिक वॉन्ड आ जाए तुम अपनी जिंदगी में क्या चेंज करोगी. अपने में क्या चेंज करोगी. अपने में क्या चेंज करूंगी. हाँ. ये चेंज करूंगी मैं थोड़ी एक्टिव हो जाऊँ थोड़ी लेजी टाइप की हूँ लेकिन नाम सबसे पहले चेंज करूंगी. वो मैजिक वॉन्ड से करने की क्या जरूरत है. शुनाव के कार्ड जाओ कर सकती हूँ. नालियों के ऑफिस जाओ मामे आगे चेंज करवा के आ जाओ. मैजिक वॉन्ड की जरूरत नहीं है यार. उसके अलावा बताओ कोई बड़ी चीज कोई ऐसी चीज जो तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल हो तुम कहो कि यार ये जो है ना मुझे चीज चेंज करनी है. चेंज तो नहीं है ऐसी चीजें मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि ना मैं भाई ने रेसलिंग बहुत देखता तो जब मैं देखती हूँ मुझे बहुत जोश चढ़ता है कि नहीं मैंने भी रेसलर बनना है. ऐसा हो तो सकता नहीं है. अगर चेंज करना चाहूँ तो रेसलर बनूंगी. यार रेसलर बनना बॉक्सर बन जाना. नहीं यार बॉक्सर नहीं रेसलर बनूंगी. बॉक्सिंग नहीं कराती. दो बार मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ है बॉक्सिंग की वजह से. नहीं नहीं गिरने की वजह से. अच्छा 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 दो दो फ्रैक्चर हो चुका है. ठीक है दो दो फ्रैक्चर हो चुका है. एक बार हाथ का ऑपरेशन हो चुका है. ओ मेरे अल्लाह अल्लाह मियां ओहो अल्लाह आपको सेहत दे लंबी उम्र दे. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन. टेक केयर अल्लाह हाफिज. चले जी हमारी बड़ी अच्छी कॉलर थी और इन्होंने बड़ी बहुत मजे मजे की बातें शेयर की. लेकिन मैं एक दफा फिर से बताती चलूं लाइन मैसेजर जरूर डाउनलोड कीजिएगा
मैं भी डाउनलोड करूंगी. एंड यस facebook.com/ARY Musik TV पे जाके कमेंट जो स्टेटस है क्वेश्चन ऑफ द डे व्हाट हैज फोर व्हील्स एंड फ्लाइज उसको जाके आप जरूर जो है इसका जवाब दे दीजिएगा. उसके अलावा जो दो लकी विनर्स होंगे उनको मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, उनका शो भी उनका नाम शो में लिया जाएगा. सो यस वी हैव टू वाइंड द शो. रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.